वाह वाह वाह, क्या कहानी बन गई। पता नहीं तुझे कि तू कैसे वहां पे पहुंचा। अरे खुद ही रात को जाकर फ्रीजर में छुप गई होगी और अब यहां नाटक कर रही है। पर आपको कैसे पता कि रात का समय था? हमने तो नहीं बताया कि हम रात के समय पे फ्रिज में बंद हुए थे। हाँ बात तो ठीक है। और आलिया, तुम खुद कल रात को रसोई में थी वो फ्रीजर के पास, और फ्रीजर जब मैंने खोला तो बिजली भी चली गई। कहीं तुम ही ने तो सच में कुछ किया नहीं ना इसके साथ? फाइनली ये आप क्या कह रही है ताई जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ईशान बोला, और वो फ्रीजर से बार बार आवाज आ रही थी छींकने की, वो भी शायद ध्याना की होगी, हमने सुनी थी ना? आयुष्मान बोला हाँ। और आलिया, तुम बार बार बोल रही थी कि फ्रीजर को बाहर फेंक दो, निकाल दो, क्या तुम्हें पता था गहना अंदर थी? बोलो तुमने किया ये सब, जवाब दो। बताओ आलिया, सच सच बोलो हमसे, तुमको कैसे पता चला कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी और तुम बार बार उस फ्रीजर के आसपास कहे दिख रही थी? बोलो। आलिया, दूर हटिए मेरी बेटी से। आप लोग मेरी मासूम बेटी पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे भगवान से डरिए आप लोग, ये आपके घर की बहू बनने वाली है, और आप लोगों को इससे ज्यादा इस नौकरानी की बात पे भरोसा है? हाँ उर्वशी, जरा शांत रहो। आयुष्मान बेटा, जरा देखो तो। आराम आराम से।